हेलो गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपके बजाज ऑटो है और उसका डिलीवर अगर जाम हो गया है जिसके वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, या फिर डिलीवर का वाल्व सील कट गया है जिसकी वजह से इंजन वायर लीकेज हो रहा है, तो आप डिलीवर को खुद से कैसे चेंज कर सकते हो, तो बने रहे आप हमारे वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हमें प्लास्टिक कवर को खोलनी होगी। प्लास्टिक कवर को खोलने के लिए ये जो 20 वाला नट जो दिख रहा है वो 12 नंबर रिंच से खुलेगा, और ये साइड वाला जो है वो 10 नंबर रिंच से खुलेगा। हालांकि यहाँ पे साइड में कोई नट नहीं है, पर आप में होगा तो वो 10 नंबर रिंच से ही खुलेगा। प्लास्टिक कवर खोलने के बाद फिर डिलीवर से तार को खोल के निकाल लेनी है। उसके बाद चूहा स्प्रिंग को निकालना है। उसके बाद टैपिड कवर को खोलना है जो कि 13 नंबर रिंच से खुलेगा। हमारे पास यहाँ पे गोटी हैंडल है तो हम लोग गोटी हैंडल से ही खोलेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप रिंच से भी खोल सकते हैं। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा फुल वॉच करें, बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और खामोखा आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा फुल वॉच करें। तो यहाँ पे टपिट कवर सही तरीके से खुल चुका है, और अब हम लोग पुराना वाला डिलीवर को खोल के बाहर निकालेंगे। डिलीवर को खोल के निकालने से पहले हमें डिलीवर नट को खोल के पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद डिलीवर निकलेगा। तो चलिए इसे हम लोग स्क्रू ड्राइवर की मदद से निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर नट को खोल के निकाल लिया। इसके बाद डिलीवर लॉक को निकालेंगे, फिर डिलीवर को बाहर निकालेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे पुराना वाला डिलीवर को बाहर निकाल लिया। अब हम लोग उसका वाल्व सील को भी बाहर निकाल लेंगे। पुराना वाला डिलीवर को निकालने के बाद अब हम लोग नया वाला डिलीवर को उसमें फिट करेंगे। तो चलिए इसे करते हैं। यहाँ पर हम लोग वाल्व सील में थोड़ा सोल्यूशन लगाएंगे ताकि वो जगह पे सही से जाके फिट हो जाए। वाल्व सील और वॉशर को फिट करने के बाद अब हम लोग लीवर में स्प्रिंग को फंसाएंगे। लीवर में स्प्रिंग को फंसाने के बाद अब हम लोग लीवर को फिट करेंगे। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें कि किस तरीके से स्प्रिंग को फिट किया जा रहा है। उसके बाद अब हम लोग लॉक को लगाएंगे। इतना सब हो जाने के बाद अब हम लोग लीवर में लीवर नट को टाइट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। लीवर नट स्क्रू ड्राइवर से टाइट होगा, लेकिन एडजस्ट 8 नंबर टीपाना से ही होगा। तो चलिए पहले इसे टाइट कर लेते हैं, फिर एडजस्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एडजस्ट 8 नंबर टीपाना से होगा।
तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर को कम्प्लीटली फिट कर दिया है। अब हम लोग टैपेट कवर को इंजन में टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब हम लोग डिलीवर को एक बार चेक करेंगे कि वो कैसा मूवमेंट कर रहा है। अगर सही से कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो लीवर नट को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। तो डिलीवर यहाँ पे हमारा सही से वर्क कर रहा है। अब हम लोग उसमें डी वाला वायर को फंसाएंगे। उसके बाद चूहा स्प्रिंग को फंसाएंगे। उसके बाद कैप को टाइट कर देंगे। अब गैस पाइप को लगाएंगे। सब फिट हो जाने के बाद लास्ट में प्लास्टिक कवर को टाइट करेंगे। सब टाइट हो जाने के बाद एक बार अब हम इंजन को स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे डिलीवर को कम्प्लीटली सही तरीके से चेंज कर दिया है और अब हमारा इंजन भी स्टार्ट हो गया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।